चरवाहा और भेड़िया। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक चरवाहा रहा करता था। उसके पास कई सारी भेड़े थीं, जिन्हें चराने वो पास के जंगल में जाया करता था। हर रोज सुबह वो भेड़ों को लेके जंगल जाता और शाम तक वापस लौट आता। पूरा दिन भेड़े घास चरती और चरवाहा बैठा बैठा उगता रहता। इस वजह से वो हर रोज खुद का मनोरंजन करने के लिए नए नए तरीके ढूंढता रहता था। एक दिन उसे एक नई शरारत सूझी। उसने सोचा, क्यों ना इस बार मनोरंजन गांव वालों के साथ किया जाए। यही सोचकर उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले लाठी और डंडा लेकर दौड़कर उसकी मदद के लिए आ गए। जैसे ही गांव वाले वहां पहुंचे, उन्होंने क्या देखा कि वहां तो कोई भेड़िया ही नहीं है और चरवाहा जोर जोर से हंस रहा था। हा हा हा, बड़ा मजा आया। देखो देखो कैसे दौड़ते हुए आए हो, मैं तो मजाक कर रहा था। उसकी ये सब बातें सुनकर गांव वालों का चेहरा गुस्से से लाल पीला होने लगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? सारा काम छोड़ के हम लोग यहाँ पे आए हैं और तेरे को मजाक सूझ रहा है। ऐसा कहकर सभी लोग वापस अपने अपने काम की ओर लौट गए। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक दिन चरवाहा सोचने लगा, मैं तो कितना बोर हो रहा हूँ, चलो कुछ मजे करते हैं। ऐसा सोचकर वो पहाड़ी के ऊपर गया और वहां से जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया। ये सुनते ही वो फिर से चरवाहे की मदद करने के लिए दौड़ पड़े। दौड़ते हाँफते गांव वाले वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि चरवाहा अपने भेड़ों के साथ आराम से खड़ा है और गांव वालों की तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहा है। इस बार गांव वालों को और गुस्सा आया। उन सभी ने चरवाहे को खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन चरवाहे को अक्कल ना आई। उसने फिर से दो तीन बार ऐसा ही किया और मजाक में चिल्लाते हुए गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। अब गांव वालों ने चरवाहे की बात पर भरोसा करना बंद कर दिया था। एक दिन गांव वाले अपने खेतों में काम कर रहे थे और उन्हें फिर से चरवाहे के चिल्लाने की आवाज आई, लेकिन इस बार किसी ने भी उसकी बात पर गौर नहीं किया। चरवाहा लगातार चिल्ला रहा था, अरे कोई तो आओ, मेरी मदद करो, इस भेड़ियों को भगाओ। लेकिन इस बार कोई भी उसकी मदद करने वहां नहीं पहुंचा। चरवाहा चिल्लाता रहा लेकिन गांव वाले नहीं आए और भेड़िया एक एक करके सारी भेड़ों को मारता रहा। यह सब देखकर चरवाहा रोने लगा। जब बहुत रात तक चरवाहा घर नहीं आया तो गांव वाले उसे ढूंढते हुए जंगल पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि चरवाहा पेड़ पर बैठा रो रहा था। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे यह नहीं करना चाहिए था। उस दिन चरवाहे की जान तो बच गई पर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने गांव वालों से माफी भी मांग ली। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना गलत बात है। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।